एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। आशा करूंगी आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेकर आई हूं, क्योंकि ये बहुत रिक्वेस्टेड और मुझे कमेंट पर भी आते हैं। प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ ब्लीडिंग, हाउ मच ब्लीडिंग इज नॉर्मल इन अर्ली प्रेगनेंसी। कितने ब्लीडिंग नॉर्मल होती है अर्ली प्रेगनेंसी में? 4 वीक्स प्रेगनेंट ब्लीडिंग नॉर्मल है। इज ब्लीडिंग एट 4 वीक्स प्रेगनेंट नॉर्मल? व्हाट कैन कॉज 1 मंथ प्रेगनेंट वुमेन टू ब्लीड? किस कारण से 1 मंथ प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है? प्रेगनेंसी ब्लीडिंग कितने दिन होती है? ये सिर्फ ओनली आपके प्रॉब्लम नहीं है जो कोई भी आप देख रहे हो, ये आपके तरह और भी 20% वुमेन के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ ब्लीडिंग क्यों ब्लीडिंग होती है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली आपको मेरे साथ लास्ट तक रहना होगा, वीडियो को जरूर एंड तक देखना होगा। ये अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना मेरे चैनल को अच्छे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते, प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ ब्लीडिंग क्या ये नॉर्मल है, क्यों होती है? तो आपके फर्टिलाइज्ड एक फेलोपियन ट्यूब से निकल कर यूटरस के वॉल पर इम्प्लांट होती है, यानी चिपकती है, प्रेगनेंसी के लिए एक पेस तैयार करती है। तो वो चिपकने के टाइम पे आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग दिखाई देगा, तो इसे हम स्पॉटिंग कहेंगे। तो कितना ब्लीडिंग नॉर्मल है, हाउ मच ब्लीडिंग इज नॉर्मल फर्स्ट मंथ और अर्ली प्रेगनेंसी पर, कितना ब्लीडिंग नॉर्मल है? तो ब्लीडिंग इसे हम हेवी ब्लीडिंग तो नहीं कह सकते हैं, इसे स्पॉटिंग कहेंगे। तो 2 or 3 days के अंदर ही आपको ये खत्म होगा, 2 से 3 दिन तक ये रहेगा। तो स्पॉटिंग दिखाई देगा, हाफ सेंटीमीटर क्लॉट्स भी आ सकती है। तो ये एकदम नॉर्मल है, टेंशन करने का कोई बात नहीं है। ब्राउन डिस्चार्ज होगा, थोड़ा सा ब्राउन स्पॉटिंग और जो थके आ रहे हैं वो भी स्पॉटिंग के तरह ही निकलेगा और ये ब्राउन भी हो सकते हैं। तो आपके प्रेगनेंसी ओनली 4 weeks का है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है ऑब्वियसली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आप समझ चुके हो अभी आप प्रेग्नेंट हो, थोड़ा सा स्पॉटिंग जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये एकदम नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारण है ब्लीडिंग होने पर 1 month प्रेगनेंसी पर? सेम बात मैं बोलूँगी, इम्प्लांटेशन के टाइम पर जब फेलोपियन ट्यूब से निकलकर फर्टिलाइज्ड एक चिपक जाती है यूटरस के वॉल पर, तब जाके आपको ब्लीडिंग दिखाई देगा थोड़ा सा। लेकिन ये ज़्यादातर वुमेन्स को नहीं होता है, हर किसी को नहीं होता है, 20 से 25% वुमेन्स को दिखाई देता है। तो ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने का सिम्टम है, करने का कोई बात नहीं है, एकदम नॉर्मल है, आपके साथ एक हेल्दी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही है। तो जिसको नहीं होता है उनका प्रेगनेंसी भी हेल्दी नहीं है, ये मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन एक हेल्दी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही है। 4 weeks प्रेगनेंट हो लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा सा स्पॉटिंग जैसा हो रही है, तो क्यों होती है? नॉर्मल है, यस, ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। आपके एक हेल्दी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ है, आपको नहीं पता कि आप प्रेग्नेंट हो, ऐसा महसूस हो सकती है कि आपके पीरियड्स आने वाले हैं, थोड़ा सा स्टोमक पेन हो रहे हैं, क्रैम्प हो रही है और नौसी जैसा ऐसा महसूस हो रहा है, वॉमिटिंग नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा फीलिंग आ रही है, ये एकदम नॉर्मल है। उसके साथ आपको स्पॉटिंग भी दिखाई दे सकते हैं। तो प्रेगनेंसी ब्लीडिंग कितने दिन होती है, ये आपके तरह और भी बहुत सारे वुमेन्स का प्रॉब्लम है, उनके मन का सवाल है। तो कमेंट पर भी आते हैं, 2 to 3 days विद ब्राउन स्पॉट, 2 से 3 दिन ब्राउन स्पॉट आपको दिखाई देगा। ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, आप जिसने देख रहे हो सिर्फ आपके साथ नहीं, 20 से 25% वुमेन्स को हेल्दी प्रेगनेंसी स्टार्ट होने के पहले एकदम नॉर्मल है, स्टार्ट होती है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, एंड आप प्रेगनेंट हो तो आपके लिए ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस। तो प्लीज एक बार डॉक्टर के पास जाके जाँच करवा लो, और होम रेमेडीज, होम केयर क्या हो सकती है इनके लिए, आप स्पेशल करके कोई भी होम रेमेडीज अपनाओ, ये नहीं चाहते हो, साइंटिफिकली एक प्रोसीड्योर है आपके साथ हो रहे हैं, होम केयर आप ले सकते हो, जैसे घर में आप रेस्ट कर सकते हो, पानी ज़्यादा पियो, दिन में 3 से 4 लीटर करके आप पानी पियो। आप अभी तक आयरन के दवा स्टार्ट नहीं किए हो तो आयरन के दवा स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आयरन के दवा लेना। ऑब्वियसली आपके साथ फर्स्ट टाइम से ब्लीडिंग दिखाई दे रहे हैं, तो बाद में जब ये प्रॉब्लम आपको करना ना पड़े आपको आयरन के दवा स्टार्ट करना ही चाहिए। तो गाइस कमेंट पर जरूर लिखना क्या प्रॉब्लम आपको हो रही है, अभी आप कौन सा फेस पर हो, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ, जितना जल्दी हो सके रिप्लाई देने के लिए ट्राई करूंगी। तो वीडियो को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल टिंग को भी दबाते रहो। आपके साथ जिनके साथ शेयर करना जरूरी है उनके साथ जरूर शेयर करो, लाइक भी करो। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर। कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो प्लीज कमेंट पर भी बताना मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी, थैंक यू।